much SMB to giving me this opportunity to share my views. मैं अपने बातों को रख पाऊँ. हिंदी विल बी कम्फर्टेबल, हिंदी अच्छा रहेगा या लाइक गुजराती बोलूँगा तो इन लोगों को हाँ समझ में नहीं आएगा, राइट? सो मैं हिंदी में लूँगा. जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे बताया कि आप कोई एक टॉपिक के ऊपर 20-25 मिनट के लिए सेशन लेंगे, तो मैंने कहा कि आप मुझे सब्जेक्ट दीजिए. तो उन्होंने टाइटल इतना लंबा दे दिया. सो मैं सोच रहा था इसमें हर एक वर्ग के ऊपर एक सेशन हो सकता है. सो उन्होंने मुझे बहुत सारे लाइक इतना लंबा टॉपिक दिया, तो मैं सोच रहा था इसमें से किस कॉन्सेप्ट वर्ड के ऊपर मैं सेशन लूँ 20 मिनट के लिए, क्योंकि हर एक वर्ड के ऊपर सेशन हो सकता है. लाइक वी कैन डू अनलिशिंग एंटरप्रीनरशिप, SMEs, ग्रो प्रॉस्पर, राइट? आई हैव चोज इनोवेशन. मैंने इसमें से लिया इनोवेशन कि चलो आज इसके ऊपर कुछ करते हैं. मैं ये सेशन जो भी लूँगा वो वन वे नहीं होगा. मैं अकेला बोलूँगा, आप लोग सुनोगे, वैसा नहीं होगा. भले 20-25 मिनट में बोलूँगा, लेकिन हम सब यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे. सो विल स्टार्ट द सेशन विथ वन क्वेश्चन. व्हाट आर योर गोल्स? आपके गोल्स क्या है? लिखो. पैड पेन है सबके पास, राइट? गेटवे वाले ने पेंसिल तो दी है, बुक भी ली है, चलो पैड भी दिया तो उसका कुछ यूज़ करते हैं. अगले 6 महीने के लिए एटलीस्ट March 31, 2018 तक के हमारे गोल क्या है? बिजनेस के गोल्स, पर्सनल गोल्स, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? जैसे आई मेट मिस्टर राय, ही टोल्ड मी दैट हमारा गोल है कि हमको 20 सिटीज़ को और कवर, टोटल 20 सिटीज़ को कवर करना है. दैट इज़ योर गोल, राइट? सो व्हाट इज़ अवर गोल? अपने गोल क्या है? खुद के कोई भी गोल हो सकते हैं, वो लिखो. अभी गोल के ऊपर भी 3 दिन का वर्कशॉप हो सकता है, राइट? बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन राइट नाउ जो माइंड में आता है अगले 6 महीने के लिए आपकी लाइफ के, आपके गोल्स क्या है, राइट इट डाउन. अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो आई हैव ड्रॉट डाउन सम एरिया. सेल्स का ग्रोथ हो, गोल हो सकता है. टर्नओवर के एरिया में गोल हो सकता है. देन प्रॉफिट के एरिया में गोल हो सकता है. टीम बिल्डिंग के एरिया में हो सकता है. डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में हो सकता है स्पेसिफिक गोल. किसी का क्वालिटी, यानी कि लाइक कैसे क्वालिटी और बेटर हो सकती है, उसके एरिया में हो सकता है. स्ट्रेटेजी, डेलीगेशन, एक्सपांशन, स्टाफ मोटिवेशन, कोई भी एरिया में गोल हो सकता है अगर बिजनेस को देखा जाए तो. मैं चाहता हूँ कि आप इसके अलावा कोई भी एरिया ले सकते हैं, राइट? सो एनी वन वॉन्ट टू शेयर एनी गोल? यस, एनी वन? आपका गोल क्या है? देखिए, अनजान लोगों में कुछ भी शेयर करने में डरना नहीं है. क्यों? किसी को कुछ पता ही नहीं चलने वाला है. आज यहाँ कितने बार लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम. सी 80% ऑफ द पीपल, 85-90%, मैं सूरत का ही हूँ, फिर भी हमको पता नहीं है. मैंने आज तक 110,000 से ज़्यादा लोगों को लाइव सेशंस दिए हैं लास्ट 6 साल में, लेकिन हमको पता नहीं है. इतना ही नहीं, मैंने 15 राज्यों में, 49 सिटीज़ में, एब्रॉड में, हांगकॉन्ग और बैंकॉक में भी सेशंस दिए हैं, लाइव सेशंस. DVD के थ्रू लोगों ने देखा है वो अलग है, फिर भी पता नहीं है. सो यहाँ शेयर करने में गवाना क्या है? सो यस, योर गोल. ओके, एनकरेजिंग पीपल लिविंग देयर ड्रीम्स. एनीवन एल्स? व्हाट्स योर गोल? सी, मैं चाहता हूँ कि अगर आप शेयर करेंगे तो ही आप इसका वैल्यू ले पाएंगे. मैं नहीं चाहता हूँ कि चलो मैं ये स्टेज पे से बोल लूँ, आप लोग सुन ले और ख़त्म हो जाए. ये 20 मिनट आपकी लाइफ की बेस्ट 20 मिनट होने वाली है. मैंने एक ही टॉपिक लिया है और बहुत शॉर्ट में लिया है, लेकिन दैट विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ अनटिल एंड अनलेस यू विल शेयर. अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये एक बाबा भाविन जे शाह कोच फॉर लाइफ प्रवचन हो जाएगा, राइट? अच्छा है दाढ़ी मूछ नहीं है, प्लीज़. ऐसा नहीं है, जो लोग हैं उनकी बुरी है, लेकिन वो जो बाबा राम रहीम वाला, ऐसा नहीं है, राइट? प्लीज, यस. ग्रेट, ये हमारी कंपनी को 2025 तक हम 200 CR की बनाएंगे, राइट? बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट. एनीवन एल्स? लास्ट पर्सन वांट टू शेयर गोल? यस प्लीज. ये टेबल एकदम चमत्कारिक टेबल है, राइट? यस. डिसिप्लिन. ओके. And in business is to start export in Sri Lanka and Philippines. Okay. By this month. मैं एक चीज़ खाली लूँ तो हमको business export करना है Sri Lanka and Philippines. Philippines, right? Great. ये उनका एक goal है, right? हमने सबने कुछ ना कुछ लिखा होगा, right? I appreciate all of you. Let's acknowledge these 3 people. Thank you for sharing. Thanks. Let's go ahead. What comes in your mind when we listen word innovation? जब हम innovation सुनते हैं, mind में क्या आता है? First thought. Yes. एक पॉजिटिव चेंज. यस, लास्ट. पॉजिटिव
Creating good things. Okay, yes, anyone else? Something new, right? Anyone else? Yes? Something out of the box. Yes, Orgoi? Yes? iPhone. Okay, good. Innovation means iPhone. Sabne jawab bilkul sahi diye hai. Ek cheez jo pehle strike karti hai, the first thing which strikes in mind is change. Something change, new. Big change, new change, right? Innovation yani kuch aisa jo aaj tak hua nahi hai, right? Wo hamare mind mein pehle aata hai. Great. So, isiliye Jim Rohn, jinse inspire hoke, Anthony Robbins, ya Stephen Covey, ya अलग जितने भी Brian Tracy speakers हुए हैं उसके रूट में अगर देखने जाए तो Jim Rohn है और उनका ये कोट जो बहुत बढ़िया कोट है Your life does not get better by chance, it gets better by the change. यानी चांस मिल जाए यानी कोई चमत्कार हो जाए और कुछ हो जाए और लाइफ बेटर हो जाए राइट पूरे सूरत की बस्ती कितनी है अप्रोक्सीमेट 60 लैक्स राइट एंटरप्रीनर्स कितने होंगे मे बी 15 लाख होंगे कि नहीं होंगे 10 लाख 5 लाख तो होंगे क्यों इतने ही लोग यहाँ बैठे हैं नॉट बाई चांस बाई चेंज यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू कुछ जानना था इसलिए आप लोग यहाँ हो राइट लाइट माई अनदर क्वेश्चन इज बट सर्वे सेज हम कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज होता नहीं है फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट वी टेक न्यू ईयर रिजोल्यूशन न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं पता है न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या क्या होता है न्यू ईयर बेसिक न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या होता है सबका जो एकदम होता ही होता है कौन सा पतला होने का वजन कम करना है राइट दैट इज अ चेंज बॉडी में एक इनोवेशन लाना है यानी वजन मेरा जितना है उससे कम करना है राइट एक बहुत बढ़िया व्यक्ति ने एक बहुत बढ़िया चीज कही है कि 1 से 10 तारीख तक है ना जिम में जगह ही नहीं मिलती है दूर दूर तक पार्किंग करना पड़ता है January 1st to 10th राइट 10 से 25 के बीच में केवल 15-20 जन 25 जन दिखते हैं और 25 तारीख को ट्रेनर 26 जनवरी इंडिपेंडेंस वो क्या बोलते हैं उसको प्रजासत्ताक दिवस हिंदी गुजराती में तो वही बोलते तब रिपब्लिक डे तब खाली मैं और ट्रेनर जिसने मुझे बताया वैसा कितने लोगों के साथ ऐसा होता है नया नया 9 दिन चेंज तो लाना ही है इनोवेशन तो करना ही है लेकिन नया नया 9 दिन कितने लोगों के साथ ऐसा होता है राइट भाई हाथ ऊपर करने में कुछ जाता नहीं है मैं यहाँ नहीं बुलाऊंगा डोंट वरी राइट हाँ शर्म आती है ओ ले राइट फाइन ग्रेट लेट सी सर्वे क्या कहता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सर्वे किया था कि जनवरी 7 से 14 के बीच में 51 लोग रिजाइन हो जाते हैं 51% लोग छोड़ देते हैं पहले एक वीक के बाद कोई भी चीज़ हम नया शुरू करना चाहते हैं तो वो छोड़ देते हैं 49 लोग टिके होते हैं फिर 21 से 28 के बीच 17 लोग टिके रहते हैं 83 लोग छोड़ देते हैं और वो आते आते 1 जुलाई तक कितने लोग रह जाते हैं 100 में से 4 लोग रह जाते हैं हेलो एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू मेरा सवाल क्यों ऐसा होता है व्हाई दिस इज हैपनिंग व्हाई वी रेजिस्ट चेंज व्हाई Why? We are comfortable in? Environment we are, yes. We are resistant to come out of our comfort zone. Yes, or koi? Avoiding challenges. Okay, yes. Okay, हमें पता नहीं है कि ये Okay, yes. जब हम कोई भी change लेना चाहते हैं ना करना चाहते हैं ना कोई भी area में वो बिजनेस हो वो पर्सनल लाइफ हो रिलेशनशिप हो हेल्थ हो कुछ भी हो हम जब भी कोई भी चेंज करना चाहते हैं तब सबसे पहला क्या आता है पता है सी बिकॉज चेंज इज हार्ड हमको क्या लगता है ये मेरे लिए मुश्किल है एंड फॉर बिग चेंज बिग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड कितने लोगों को ऐसा लगता है अगर बिग चेंज लाना है तो बिग स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो ही बिग चेंज आएगा राइट एंड To take big steps, huge willpower require. Willpower? बताया ना मैं कहता हूँ कई बार मेरे participants को कि यहाँ पे एक छोटा पुल है यहाँ वहाँ पे नीचे है ना एक रोड जाता है वहाँ पे एक छोटी सी लारी है वहाँ पे willpower, love, care,
ये सब है ना किलो के भाव में बिकता है, बॉर्नविटा के साथ चमची चम्मच पान ग्लास दूध में डालने का, रोज सुबह पी लेने का, होता है ऐसा? विल पावर कम्स फ्रॉम वेयर? इनसाइड, अंदर से ही आने वाला है. सो हम क्या सोच रहे हैं, बिग चेंज रिक्वायर्स बिग विल पावर, राइट? एंड चेंज इज हार्ड. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रिंसिपल देने वाला हूँ, आप जियोगे तब तक अगर याद रखोगे या ऐसे काम करोगे जिसने मेरी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट किए. लेट अस सी, मैं कुछ शेयर करता हूँ. चेंज इज इक्वल टू, चेंज से हम चालू करते हैं. अगर हम कोई बिग चेंज करना चाहते हैं और हम फेलियर पहुँचते हैं, उसके बीच में एक चीज़ ऐसी है जिसके कारण हम वो चेंज नहीं लेते. क्या है, क्या हमको रोकता है? हेलो, अनकंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी, फियर. ज़्यादातर केस में हम सबको पता है हम क्या करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा, लेकिन हम वो चेंज नहीं करते. क्यों? क्योंकि एक फियर है, फियर ऑफ फेलियर. इमोशंस है जो हमको रोकते हैं. और ये इमोशंस आते कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस इमोशंस कम? एक्सपीरियंसेस, ओके, पास्ट, ओके, अवर एजुकेशन, ओके. फ्रॉम, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ ना? दो प्रकार के लोग होते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं देते. हेलो, नहीं समझने वाले समझ गए होंगे. एक जिनको सब कुछ समझ में आता है, दूसरे लाइक आप लोग कहाँ हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. पीछे वाले एक भाई मेरे साथ है और ये टेबल है, कुछ लोग यहाँ यहाँ से भी है, राइट? फाइन, मैं एक डॉक्टरी वर्ड देने वाला हूँ जो वर्ड शायद हमने आज तक नहीं सुना है. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी जिस बुक ने मेरी लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर दिया. बुक का टाइटल है वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ. हमारा माइंड ऐसे डिजाइन हुआ है जो हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा बादाम के आकार का एक चीज है जिसको हम कहते हैं एमिगडाला. हैव यू हर्ड? किसी को यहाँ है जिसने ये वर्ड सुना हो सिवाय मोहम्मद भाई? यस, व्हाट इज एमिगडाला? हाँ हाँ, हमारे दिमाग में एक ऐसा ग्लैंड है, एक चीज, एक छोटा सा बादाम आकार का एक चीज है जो कोई भी जब हम दिमाग में वर्ड चेंज या इनोवेशन डाल हमारे विचार में आता है, तुरंत ही ये ट्रिगर होता है. और ट्रिगर होते करता क्या है? फाइट और फ्लाइट, यानी अगर लड़ सको तो लड़ो या तो भाग जाओ. ये दिमाग में एक ऐसी कुदरत ने रखी हुई चीज है जो सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुई है. और वो क्या करता है? आप भाग जाओ. सो होता क्या है, द एमिगडाला इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल. इट्स वेयर वी प्रोसेस फाइट और फ्लाइट. इट्स वेयर अवर फियर रिस्पॉन्स लाइव्स. जब हम कोई भी चेंज सोचते हैं तुरंत विचार क्या आता है? चलो वजन 80 किलो है, ये साल खत्म हो तब तक 70 लाना है. दिमाग में पहले ही वो ट्रिगर होगा, तेरा काम नहीं है, तेरे से होने वाला नहीं है. चलो मार्केटिंग करना है, यहाँ हमको हर रोज, मैं हमेशा कहता हूँ कोई एक इंसान एक कस्टमर को डेली मिलेगा ना, 6 महीने में उसका बिजनेस डबल हो जाएगा. एंड देट इज माई प्रॉमिस. उसके फील्ड के एक आदमी को रोज मिलेगा ना, केवल एक आदमी. एंड मैं तो वहाँ तक बोलता हूँ 5 days a week आई एम रेडी टू डू चैलेंज. लेकिन पहला विचार क्या आता है? अरे यार रिजेक्ट कर देगा तो, टाइम नहीं देगा तो, नहीं बुलाएगा तो. इट कम्स फ्रॉम दिस एमिगडाला. ये ऐसी चीज है, व्हेन वी फेस विद अ जॉल्ट, एक झटका उसको पहुंचता है, चेंज द एमिगडाला इन ट्रिगर्ड इज ट्रिगर्ड विच प्रोड्यूसेस इंस्टेंट एक्शन एंड लिमिट्स बैंडविड्थ फॉर क्रिटिकल थिंकिंग. हमारा क्रिटिकल थिंकिंग वो रोक देता है. हमको हमारा बुद्धि वाला दिमाग ये कहता है कि तेरे को ये करना चाहिए, यहाँ से ही आपको ये विचार आएगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए. लेकिन एमिगडाला क्या कहेगा? रहने देना भाई, ये सब सेशन वेशन बहुत अच्छा है, आज रात को सोएंगे. पता है मैं एक और बात कहता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन लेट मी शेयर विद इट. सफल लोग और निष्फल लोग के बीच में 10 सेकेंड से कम का फासला होता है. कितना? लेस देन 10 सेकेंड्स. हाउ कम? मोहम्मद भाई ने खबर से, बिकॉज ही इज वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. कैसे? सफल लोग भी अलार्म रखते हैं रात को सोते वक्त, और निष्फल लोग भी रखते हैं. दोनों का अलार्म सुबह बजता है, दोनों अलार्म बंद करते हैं. बस यहाँ तक दोनों सेम है.
जो 10 सेकंड से लेस का फासला है ना, वो यहाँ से शुरू होता है. क्या होता है? एक जंप मारता है और दूसरा वापस हो जाता है. फर्क कितना है? लेस देन 10 सेकंड्स. लेकिन हम क्या सोचते हैं यार, आज नहीं, आज इतना अच्छा माहौल है, कल से शुरू करेंगे. इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है. द बेस्ट सॉल्यूशन इज, अगर एमिगडाला जो ये है उसको हम उसको मूर्ख बना देना, हम उसको अगर मूर्ख बना दे, यानी कि वहां तक जो मैसेज पहुंच रहा है बिग चेंज का, वो बिग चेंज का अगर हम मैसेज उसको पहुंचने ही ना दे तो क्या होगा? वो ट्रिगर होगा ही नहीं और फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आएगी नहीं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज दिस स्मॉल चेंज. एमिगडाला इज क्वाइट, नो इमोशन, नो फियर, देन सक्सेस. एक छोटा काम करे. मैंने मेरी लाइफ के पहले 5000 लोगों को जो भी सेशंस दिए थे ना, मैं डायमंड इंडस्ट्रीज में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे सब लोग, उनको यहाँ जाके मैं कहता था कि मुझे एक सेशन रखना है आपके यहाँ, आप बोलो उतने बजे आपके टाइम पे आपके लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ पे बल्क में लोग मिल जाते हैं. मैंने 5000 लोगों को उनके टाइम पे जाके उनकी ऑफिस में, उनके लाइक एनवायरमेंट में मैंने सेशन दिए. स्मॉल 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 स्मॉल. आज 1,10,000 से ज़्यादा लोग लाइव सेशन से हो गए, वो अचानक नहीं हुए. आप आज जहाँ भी हो वहाँ पे भी हम अगर छोटे छोटे स्टेप्स ले, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है जापान से आया हुआ, और कॉन्सेप्ट का नाम है काइजेन. काइजेन मीन्स गुड चेंज विथ स्मॉल स्टेप्स. छोटे छोटे स्टेप्स हम ऐसे ले जो जिससे हमारा एमिगडाला ट्रिगर नहीं हो. अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ तो हम इजीली एक्शंस ले पाएंगे. एंड लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ टोयोटा. पहले उससे पहले एक और एग्जांपल देता हूँ. ये एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ. वो आदमी बेड पे पड़ा हुआ था. जनवरी 18, 2012 को उसकी वाइफ ने ये स्टेप लिया, उसका फोटोग्राफ लिया. और वो जब बेड पे पड़ा हुआ था, ये उसने सोचा कि मुझे ऐसे ही नहीं पड़े रहना है. उसका पूरा पीछे सर्वाइकल जो लाइन होती है उसका पूरा ऑपरेशन हुआ. 8 फ्रैक्चर्स हुए. वीक्स तक वो घर में पड़ा रहा. उसने इतना ही चेंज की, उसने सोचा कि मुझे मैराथन दौड़नी है. लेकिन जैसे उसने ये सोचा कि मुझे मैराथन दौड़नी है, हुआ क्या? एमिगडाला ट्रिगर्ड हो गया. उसने ये तो पॉसिबल है ही नहीं. उसने इतना तय किया कि मैं हर रोज शूज़ पहनूंगा एंड देन शूज़ वापस निकाल दूंगा. शूज़ पहनूंगा, शूज़ निकाल दूंगा, खाली इतना ही मैं करूंगा. उसने वहां से शुरू किया. रोज शूज़ पहनता है, शूज़ निकालता है, शूज़ पहनता है, शूज़ निकालता है. व्हाट हैपेंड? ये रोज उसने किया. एक दिन उसको एक स्टेप चलने की इच्छा हुई, दूसरे दिन चलने की इच्छा हुई. और लेट मी शो यू द फिगर, बिग चेंज उसकी लाइफ में क्या आया. 315 रन्स उसने मार्च 29, 2012, जनवरी में एक्सीडेंट हुआ है, फेब 7, 2013 उसने 1271 किलोमीटर का रन किया. 9 सिटीज में किया, 2 कॉन्टिनेंटल्स में किया. 315 रन्स उसने कंप्लीट किए. खाली शुरू कहाँ से किया? शूज की लेस बांधनी है, शूज की लेस निकालनी है, खाली इतने से. सो अगर हमको बिग इनोवेशन लाना है, जापान में ये कॉन्सेप्ट टोयोटा से लेके अलग अलग कंपनियों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से अपनाया है, जो यूएसए से पूरा विपरीत है. यूएसए कहाँ से सोचता है? बिग इनोवेशन, बिग चेंज. और टोयोटा जापान कहाँ से सोचता है? स्मॉल 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 चेंज कैन प्रोग्रेस अस लाइक एनीथिंग. एंड लेट मी शो यू दैट. इसीलिए ये बुक मुझे जहाँ से मिली उनको मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ. विशाल खंडेलवाल करके एक इन्वेस्टर है जिसने ट्विटर पे खाली इतना लिखा कि ओवर द लास्ट 15 ईयर्स आई हैव रेड, सॉरी 1.5 ईयर्स आई हैव रेड एक्स्ट्रा 40 बुक्स प्लस लॉस्ट 10 केजीज वेट टू गेट फिल्टर जस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज फ्रॉम दिस स्मॉल बुक. कितनी बुक उसने एक्स्ट्रा पढ़ी? 40 बुक्स डेढ़ साल में. कौन सी बुक के कारण? खाली ये एक बुक, वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ. ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है. उसने तय ये किया कि रोज मैं एक पेज पढ़ूंगा. मैं मेरी लाइफ की बात करता हूँ. मैंने डिसाइड किया लास्ट नवंबर में, मैं एक मेडिटेशन करता हूँ जिसका नाम है विपश्यना मेडिटेशन. क्योंकि मुझे लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन करना होता है, मैं अगर इंटरनल जर्नी नहीं करूँगा तो माइंड बैलेंस नहीं रहेगा. मैंने शुरू किया,
मैंने पहली शिविर उसकी 2004 में की थी। मैं सोच रहा था कि मुझे रोज उसका प्रैक्टिस करना है। मैंने शुरू किया केवल 10 मिनट से कि मैं डेली खाली 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। क्यों? अगर मैं एक घंटे का सोचता हूं तो एमिग्डाला ट्रिगर होता है, मुझे उसको ट्रिगर नहीं करना है। आज 10 मिनट से शुरू करके राइट नाउ एवरी डे आई एम डूइंग 1.5 आवर मेडिटेशन डेली विदाउट गैजेट विदाउट मोबाइल, यानी कोई चीज बीच में इंटरप्शन नहीं। एंड उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 10 मिनट से। हम ऐसा तय कर सकते हैं कि हम एक पेज पढ़ेंगे, हम ऐसा तय कर सकते हैं मैं एक मिनट चलूंगा, केवल 1 मिनट वॉक करूंगा, 1 मिनट, कैन वी डू दैट? लेकिन 365 डेज विदाउट एनी ब्रेक। मैं खाली एक कस्टमर को फोन करूंगा, मिलने का तो दूर, खाली एक कस्टमर को फोन करूंगा, कैन वी डू दैट? हेलो भाई सब यहाँ ही है ना? अरे यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। आर वी ऑल हियर? ना देखते हैं टोयोटा ने क्या किया। टोयोटा ने लाइक ये बुक भी उसकी उसके ऊपर है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर। यूएसए 38, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 38% ऑफ आइडियाज इंप्लीमेंटेड, वेयर एज जापान 90% यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग स्मॉल 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 इंप्रूवमेंट करते हैं। ये 90% ये किसके आइडियाज है? एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज आइडिया देते हैं यूएसए में वो 38% ही इंप्लीमेंट होते हैं, जबकि जापान में 90% होते हैं, क्योंकि स्मॉल स्मॉल होते हैं। और दूसरा, इन यूएसए रिवॉर्ड फॉर अ गुड आइडिया इज $458 एवरेज, वेयर एज इन जापान $3.88। कितना फर्क है? हेलो, लेस देन 1%। छोटे छोटे चीज अगर हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बिग इनोवेशंस आएंगे ही आएंगे। एंड दैट इज व्हाई आपने इनका नाम सुना है, हु इज ही? जॉन वुडन। एनीवन पता है किसी को ये व्यक्ति कौन है? नो वन हियर, ग्रेट। अरे यार तुक्का तो मारो, गलत बोलने का कुछ चारता थोड़ी है। हो सकता है मैं किसी को कुछ गिफ्ट दे दूं। हाँ, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू बी इंडक्टेड टू बी बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम एज अ प्लेयर एंड अ कोच। वर्ल्ड में हॉल ऑफ फेम यानी बहुत बड़ी पदवी एक इंसान को मिली है, जॉन वुडन को, जिसने ये सारी बुक्स लिखी है। इतनी सारी बुक्स इस इंसान ने लिखी है। और वो क्या कहता है, उसका एक कोट है, जिस तरह से वो यहां तक पहुंचा है, उनका कोट कुछ इस तरह है, वेन यू इंप्रूव अ लिटल ईच डे इवेंचुअली बिग थिंग्स अकर। आप थोड़ा थोड़ा रोज करोगे, बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है। नॉट टुमोरो नॉट द नेक्स्ट डे बट इवेंचुअली बिग गेन इज मेड। आज या कल में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन इंप्रूव डेली 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 करोगे तो इंप्रूवमेंट होने ही वाला है। डोंट लुक फॉर द बिग क्विक इंप्रूवमेंट, सीक द स्मॉल इंप्रूवमेंट वन डे एट अ टाइम। एक चीज एक दिन के लिए, छोटी सी, मैं इतनी सी करूंगा। अगर आपका डेस्क गंदा रहता है, मैं खाली 5 मिनट दूंगा, या तो मैं एक चीज उठा के रखूंगा। इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, एक लेडी को वजन कम करना था, वो चार, उसे सोचा कि मुझे शुगर कम करनी है, एक चार स्पून एक टी में वो डालती थी। ये सुनने के ये समझने के बाद उसने ये सोचा कि मैं 3 कर देती हूँ, तो उसने एक तो कम कर दी, लेकिन 3 से कम उसकी होती ही नहीं थी। तो ये जो ऑथर है रॉबर्ट मूलर, उनके पास वो गई, उन्होंने इतना ही कहा कि आप एक काम करो, एक दाना होता है ना, एक दाना यानी एक ग्रेन का एक पीस, आपको एक पीस खाली कम करना है। अगर आपको कैडबरी खाने का बहुत शौक है, पहला पीस किसी को दे दो, लास्ट मत देना, लास्ट देने की बहुत तकलीफ होती है। पहला देना हो तो तुरंत दे सकते हैं, राइट? उसने इतने छोटे छोटे चेंज करवाए, एक साल के अंदर वो लेडी ने धीरे धीरे करके टोटली चाय में शुगर डालना बंद कर दिया। दैट इनोवेशन कैन हैपन। सो दैट्स द ओनली वे इट हैपन्स, एंड व्हेन इट हैपन्स इट लास्ट। हम जिम में जाके 10 किलो 5 किलो या डाइटिंग करके, जो सो कॉल्ड आज लोग कहते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन वो कितना रहता है? जब तक है जान, सामने को दिख गया, एंड देन मेरा भारत महान। हेलो, सो मेरा सवाल, हम ऐसा कौन सा एक चीज लाएंगे अपने में? एक चीज, एक छोटी सी चीज आज के सेशन से हम इतनी लेके जाए कि जो मैं 365 डेज के लिए करूंगी या करूंगा। बहुत छोटी होनी चाहिए जिससे एमिग्डाला ट्रिगर ना हो,
नहीं तो ऐसे सेशन के बाद इंसान एकदम पावर में आ जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह वापस अलार्म बंद हो जाता है. एम आई विथ यू? राइट. सो माई क्वेश्चन, वॉट द स्मॉलेस्ट स्टेप यू कुड टेक टूवर्ड्स योर गोल? कोई एक छोटा सा स्टेप लिखो राइट नाउ, राइट डाउन, ये लिखना है. आप ऐसा क्या करोगे जो एक छोटा सा स्टेप होगा? आई टेक 2-3 मिनट्स मोर ओनली, राइट प्लीज. मैं इसके ऊपर एक 3 घंटे का सेशन लेता हूँ, लेकिन राइट नाउ आई हैव ओनली फ्यू मिनट्स, दैट्स वाई. राइट इट डाउन, वॉट एक चीज़ आप छोटी सी ऐसी करोगे जिससे आपका एमिग्लाडा ट्रिगर ना हो और आप जो एक्शन लेना चाहे वो ले सको. सो लिखो कौन सी एक चीज़ ऐसी होगी छोटी सी. यस, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि किसी को कुछ और ऐड करना हो तो कर सकते हैं. 1 फोन कॉल टू अ कस्टमर पर वीक और पर मंथ. मैं तो डेली की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वीकली होना चाहिए फिर. 1 न्यू क्लाइंट मीट वीकली वंस, एक क्लाइंट को नया मिलूंगा. इन्वेस्टिंग 1% ऑफ माई इनकम. कितना? 1% इन्वेस्ट करने में क्या जाता है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कोई इंसान 10 रुपया रोज बचाता है, साल का कितना होगा? 10 रुपया खाली. महीने का कितना होगा? 300. साल का कितना होगा? 3600. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कितना होगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल होते होते कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. 1 पेज रीडिंग ऑफ माई फील्ड. रोज एक पेज खाली पढ़ूंगा, ओनली 1 पेज. हमारा एक ऐप है जो आप ऐप स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हो, यानी एंड्रॉयड में और iOS में दोनों में डाउनलोड कर सकते हो, कोच फॉर लाइफ. वॉट वी डू ओनली 1 थिंग. आपको एक टास्क लो, 365 डेज तक करो. और हमारी ऑफिस से वो मेज़र होता है, हमारी इंस्टीट्यूट से वो मेज़र होता है आपने किया कि नहीं किया. एंड आपको फ़ोन जाता है एज अ पार्टिसिपेंट अगर आप है तो, कि भाई वेर यू आर स्टक, वॉट सपोर्ट यू नीड. एंड वॉट वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप, 1 मिनट वॉकिंग, 1 मिनट मेडिटेशन. एक जन को तो ऐसा टास्क दिया खाली बुक लेके रख देने का, रोज रात को या पूरे दिन में एक बार जो बुक आपको पढ़नी है वो लेने की, वो रख देने की, वो लेने की, वो रख देने, ओनली 1 टाइम. कैन वी डू दैट ऑल्सो? 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट एक्सरसाइज, 1 less spoon ऑफ sugar और रिमूव 1 थिंग फ्रॉम द डिश. हाँ, हम कई अभी आज दोपहर को लंच होगा ना, जिसको वजन कम करना है उसको एक ही चीज़ करना है, यहाँ से खड़े होके जाना वहाँ पे कि मैं एक चीज़ नहीं लूँगा, कोई भी एक चीज़ नहीं लूँगा. विल गिव यू दैट फुलफिलमेंट. 1 small work delegation, मेरा एक काम मैं किसी और को दूंगा, छोटा सा काम जो मैं नहीं करूँगा. रिमूव वन थिंग फ्रॉम कार्ट. हम खरीदी करने गए या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, 5, 7, 10 चीज़ है, एक चीज़ हम निकाल देंगे लास्ट में जब बिल काउंटर पर पहुँचेंगे तब. 1 मिनट मेडिटेशन, लर्न 1 new word ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश इम्प्रूव करना है, एक वर्ड में रोज नया सीखूंगा. स्लीप 1 मिनट अर्ली. हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लोग क्या कहते हैं, नींद ही नहीं आती ना इसलिए मोबाइल देखते हैं. होता ये है, मोबाइल पास में होता है ना इसलिए नींद नहीं आती है. लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल बाजू में रख के सोते हैं, यानी कि हाथ पहुंच सके उतना? चमत्कारी होने वाले लाइफ में. मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं मेरे पार्टिसिपेंट को ये भी कहता हूँ, आपको जीवन में चमत्कार करने हैं, एटलीस्ट मोबाइल पास में रख के मत सो. कई लोग कहते हैं अलार्म रखते हैं, अलार्म नहीं तो 110 रुपये का डब्बा आता है. कितने रुपए का? नहीं, मैंने प्राइस निकलवाया स्पेशली कि कितने का मिलता है. क्लीनिंग ऑफ 4-5 मिनट्स. मैं 5 मिनट के लिए खाली क्लीन करूंगा, बाकी वापस जैसा है वैसा हो जाएगा, इट्स ओके, बट डेली 5 मिनट. सो एवरी डे फॉर 365 डेज. मेरा व्हाट्सएप में स्टेटस ये लिखा है, 7-1=0, 31-1=0, एंड 365-1=0. हेलो, कैन वी गेट इट? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, कौन समझा पाएगा? यस मिस्टर राय, यू आर द राइट पर्सन. व्हाट इज इट मींस? हाँ कुछ, यस प्लीज. फर्स्ट डे
If you can't accept the first day, you can't reach to the second day, third day, fourth day, fifth day. It means that every day is the one day. If you accept one day, you will reach to every day and it will come to 365 days. Very good. I would like to add something. Great. What it is? मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ. अगर आप पहले 7 दिन करते हो, 6 दिन करते हो और एक दिन नहीं करते हो, then is equal to 0. आप 31 दिन में एक दिन खाली नहीं करते हो, is equal to 0. अगर आप 363 days करते हो और 364th days को आपका gap होता है, then you have to start a new year. एक चीज छोटी सी जो आप लेंगे वो 365 days के लिए, एक भी दिन, चीज कोई भी हो सकती है, मैं bargain करने को तैयार हूँ, हेलो, लेकिन एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, उसमें bargaining नहीं होगा. आर वी ऑल रेडी? यस. आई वॉन्ट शेयरिंग फ्रॉम टू सम पीपल, टू थ्री पीपल. आपने क्या लिया इस सेशन से, यानी अपने लिए इसमें से, नहीं तो एक प्रवचन हो जाएगा. वन मिनट, वन थिंग, वन एक्शन फॉर 365 डेज, वॉट यू आर नॉट गोइंग टू पुट इट डाउन, हु विल शेयर? और पब्लिक कमिटमेंट जब होता है ना, तब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो क्या होता है, किसको पता है, कौन जानने वाला है. सो हु विल शेयर क्विक? यस, फास्ट, यस प्लीज. वन मिनट वॉकिंग, ग्रेट. यस, एनीवन एल्स? यस. थ्री कनेक्शन इन लिंक्डइन नेटवर्क डेली. वन, कैन वी कैन टेक वन? आप एक कनेक्शन करेंगे ना, सामने से कनेक्शन आएंगे, आप एक करेंगे डेली. हाँ, पर वीक थ्री कनेक्शन? नो, आई वॉन्ट समथिंग डेली. भले मैंने ये दिया था, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो डेली वाला हो, नहीं तो उसमें फिर लोचा हो जाता है. क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे होता है, फिर एक वीक का गैप होता है, फिर हम क्या सोचते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे कर लूंगा ना. हेलो, वैसा मुझे नहीं चाहिए. यस, ग्रेट. वन कॉल टू वन कस्टमर, ग्रेट. यस, एनीवन एल्स? वहां से किसी ने हाथ ऊपर किया था? यस, रीडिंग वन पेज डेली बिफोर स्लीप. मेरे एल्डर ब्रदर, हम दोनों कल डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, मुझे मेरे एल्डर ब्रदर ने ये बुक दी थी, उन्होंने इतना ही कहा कि मैंने इतना ही लिया है, वन पेज डेली. बोलते मेरा रीडिंग इतना बढ़ गया है, इतनी इच्छा होती है अभी पढ़ने की, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं हूँ, खाली वन पेज से शुरू किया था, डेली वन पेज. आई अप्रिशिएट. लास्ट पर्सन हु विल शेयर? यस, वन प्रोडक्ट नॉलेज वन डे ऑन यूट्यूब, राइट? लेट्स एक्नोलेज अवर सेल्फ. लेकिन अभी ये एक्नोलेजमेंट नहीं हुआ है, ये एक्नोलेजमेंट तब होगा जब हम हमारे बड़ी को, यानी कि हमारे साथ में बैठा है ना, उसको बोल दो कि आपने एक मिनट वाला क्या लिया है, शेयर विद हिम और हर. आपके बाजू में कोई है ना, पीछे, शेयर करो, शेयर शेयर. किसके पास कोई नहीं है? आपके पास कोई नहीं है? कम हियर. हाँ, ये अंकल अकेले बैठे हैं. कोई सर, आपके पास कोई नहीं है? एक मिनट, इनके पास कोई नहीं है? ये तीन लोग कैसे शेयर कर रहे हैं? वन 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 वन, शेयर 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 शेयर. हाँ, वो भाई साहब अकेले है. सर, विल यू प्लीज कम हियर प्लीज? हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे. ये भाई साहब भी अकेले आपका वेट कर रहे हैं. यस, यू बोथ कैन शेयर टू ईच अदर प्लीज. सो एनी क्वेश्चन? एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? दो लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दो प्रकार के लोग सवाल. कौन से वाले मिस्टर आए? जो सब समझते हैं, या तो मैं वैसा ही मान लेता हूं कि आप लोग सब समझे हो. सही समझे ना, राइट? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम माय एंड बिफोर आई कंप्लीट, माय कंपनी नेम इज कोच फॉर लाइफ. इन लोगों ने इस पर कुछ करेक्शन करने की जरूरत है. And the next speaker who is coming in around 12 o'clock, Mr. Avinash Podar, he is also one of my very good friend. And we both have written one book, that is Unleash Your Hidden Potential. Iske upar main workshops bhi leta hoon. Aur one of the participant is Mohammed Bhai also. So Mohammed Bhai, can you share 1 minute only for that, please? Ek minute ka sharing unka le lete, phir complete karte. Yes, Mohammed Bhai, please come here. Mike. वो कोडलेस माइक था ना मैडम, प्लीज वन मिनट. यहाँ तो यहाँ थी बोली सकस. यस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
ने काफ़ी अच्छा समझाया चेंज के बारे में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूँ कि स्मॉल चेंज डेली बेसिस पे करके बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है. थैंक यू वेरी मच मोहम्मद भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू एंड मिस एस एम बी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बी.